अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइस ये मेरा फ्रेंड है मुजम्मिल भाई और हमजा भाई, ये मेरे साथ आए हैं यहाँ पर लाहौर में। हम इधर फिर हैं नादरा बेगम के दरबार पर। तो ये हमारे पीछे जो नज़र आ रहा है नादरा बेगम का दरबार है, हम यहाँ पर आए हैं। तो अब आपको अंदर से दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले आप ऐसा करें कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जमील भाई आप क्या कर रहे हैं? वेरी नाइस गुड। तो आप लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो अंदर से आप दिखाते हैं आपको, चलें। तो ये है नादरा बेगम का मकबरा, इसमें 12 दरवाजे हैं। हम आपको अंदर से दिखाते हैं इसको। ये है, यहाँ से एंटर होता है इसके अंदर। ये जगह बहुत मशहूर है, इसने ये कबर है नादरा बेगम की। और इसकी पैदाइश देखें ज़रा, 1029 है मेरा ख्याल ये लिखा हुआ है, और 1219 में इसकी वफात लिखी हुई है। और ये ऊपर देखें, ये भाई मुजम्मिल खड़े हैं, भाई हमजा। और ये 12 दरवाजे की है, बारह दरवाजे कहते हैं यहाँ पर। ये किस तरह, ये अब देखते हैं हम भी। 1, 2, 3 और ये 4, 4 दरवाजे तो ये हो गए, 4 ये हैं और 4 इस तरह इस साइड पर हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक साइड पे 10 हो गए, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गए, 17, 18, 19, 20, 21 अरे 22 22 दरवाजे हो गए इसके, 22। तो इधर से इस साइड पर है पार्क, है बहुत खूबसूरत व्यू पार्क। बच्चे बुच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, दिसंबर की छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं सब। तो बस यही है नादरा बेगम का। और ऊपर भी है, ऊपर दरवाज़ा बंद है, सीढ़ियों से गए थे ऊपर, यहाँ से देखो ऊपर भी इस तरह ही दरवाजे हैं काफ़ी सारे। इतना बड़ा महल बना हुआ है इसका, गरीब लोग बाहर तो सड़कों पर वीरान हो रहे हैं और इनके मकबरे बने हुए हैं। और ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है शहज़ादा दारा शिकवा, उनकी जौजा है ये नादरा बेगम। बहुत पुरानी कबर है, ये मज़ार है। और अभी आपको एक और अच्छी वो दिखाते हैं इसकी। तो ये देखें यहाँ से, ये साइड प्ले ग्राउंड बने हुए हैं। तो आपको ये दीवार देखें ज़रा, ये वाली, ये सुना है कि यहाँ से ये दीवार हिंदुस्तान जाया करती थी, अब तो ये बस इतनी सी है वहाँ तक, तो थोड़ी आगे तक ये दीवार हिंदुस्तान दिल्ली में जाया करती थी। उन्होंने हिंदुस्तान जाना जिन्हें गाजी इस दीवार पे से, ये उनकी रस्म थी कि हिंदुस्तान जाया करते थे। देख रहे हैं इसको, बहुत ज़बरदस्त जगह है यार, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये दीवार देख रहे हैं आप, ये दीवार जो है ना, ये पुराने वक्तों में काफ़ी ऊँची हुआ करती थी, अब तो देखें ना यहाँ प्ले ग्राउंड हैं तो यहाँ पर काफ़ी भर्ती हो गई, और ये छोटी रह गई है दीवार काफ़ी। तो आप देख सकते हैं इसमें से हम सही तरीके से गुजर भी नहीं सकते, हमें नीचे से निकल के हम इसमें से गुजर सकते हैं, उस तरह नहीं गुजर सकते हम इसमें। तो ये नादरा बेगम का दरबार है जनाब, देखें बड़ा दिलचस्प चीज़ें होती हैं देखने के लिए। हिस्ट्री अगर हम देखें ना तो बहुत ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बहुत दिलचस्प होती हैं बहुत ज़्यादा। तो बस आप लाइक कर दें इसको, रागे लाजमी शेयर कर दिया करें गाइस, ऐसी चीज़ें दूसरों को पता होना चाहिए, लोग भी दूसरे देख के इन्जॉय करें। गाइज ये था नादरा बेगम का दरबार, और ये बहुत खूबसूरत, मतलब कह लें कि बहुत तारीखी उसमें आता है, ये बहुत पुराना है, 1929 में बना था ये, और 1209 में इनकी वफ़ात थी, इतना कुछ वो है। तो ये बहुत पुराना है, यहाँ तारीखी है। तो आप अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें,
लाइक और सब्सक्राइब करके लाइक कर दे भाई, आप भी कहते हैं लाइक कर दे, लाइक और सब्सक्राइब कर चैनल को ज्यादा बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम चलते हैं गाँव में, याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।